Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we discussed angles, right angle and straight angle. तो हमने previous lecture में पढ़ा था कि right angle 90 degree का होता है और straight angle 180 degree का होता है. And we solved some question based on the angles right and straight. Revision first we have done and today we are going to do revision number second of the chapter number 5, understanding elementary shapes. And here we will discuss the questions based on acute angle, obtuse angle and reflex angle. तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि acute angle, obtuse angle and reflex angle होते क्या हैं. तो देखिए acute angle क्या होता है. An angle smaller than a right angle is called an acute angle. वो एंगल जो राइट एंगल से स्मॉलर होता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है. या आप कह सकते हो कि जो एक्यूट एंगल होता है वो 0 डिग्री से ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है. जैसे देखिए यहाँ पे ये जो हमको फिगर दिया है इसमें अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारा जो ये रूफ का टॉप है इस पे एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एक्यूट एंगल का. फिर यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है कि ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल का. दे ऑल एंगल्स आर लेस देन अ राइट एंगल, दैट्स वाई दे आर एक्यूट एंगल. फिर बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल की. ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, इफ एन एंगल इज लार्जर देन अ राइट एंगल, अगर कोई एंगल राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री से लार्जर होती है तो वो एंगल बट लेस देन स्ट्रेट एंगल, 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए. या कह सकते हो कि 91 डिग्री से स्टार्ट होगा और 179 डिग्री तक के जो भी एंगल्स होंगे वो सारे एंगल्स ऑब्ट्यूस एंगल होंगे. ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ये एंगल हमारा ऑब्ट्यूस एंगल का एग्जाम्पल है और यहाँ पे ये एंगल हमारा ऑब्ट्यूस एंगल का एग्जाम्पल. क्यों, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है. दैट्स वाई दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल. चलिए अब समझते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है. रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन स्ट्रेट एंगल. जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो स्ट्रेट एंगल से लार्जर होता है. स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा होता है. यहाँ पे देखिए ये जो हमारा 12 और 7 के बीच में एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो 180 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री होता तो 12 और 6 पे होता लेकिन ये 7 पे है तो 180 डिग्री से ज़्यादा है. दैट्स वाई दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल. तो अब आपको सारे एंगल्स क्लियर हो गए. एक्यूट एंगल क्या होता है, जो एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा होगा 90 डिग्री से कम होगा. या कह सकते हो कि राइट एंगल से कम जो एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे. 90 डिग्री का अगर एग्जैक्ट होगा तो राइट एंगल होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री से कम तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल होगा और 180 डिग्री से ज़्यादा का जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस आर रिफ्लेक्स. आपको क्लासीफाई करना है देख करके. तो देखिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन ए, ये आपको कौन सा एंगल दिख रहा है, इट इज़ लेस देन 90 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल. ये देखिए ये एंगल हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है, दैट्स वाई दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल. ये तो आपको एग्जैक्ट दिख रहा है कि ये कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो ये क्या है, राइट एंगल. ऑप्शन डी, ये 180 डिग्री से ज़्यादा है तो ये कौन सा एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल. यहाँ पे देखिए ऑप्शन ई में ये बिल्कुल 180 डिग्री का एंगल है, दैट्स वाई दिस इज अ स्ट्रेट एंगल. एफ में देखिए आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है. तो दोनों जगह पे देखिए बेटा यहाँ पे एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट और स्ट्रेट. आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया है जहाँ पे आपको एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट और स्ट्रेट जो भी आएगा आपको फिल करना. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज, अगर कोई एंगल का मेजर राइट एंगल 90 डिग्री से कम होता है तो वो कौन सा एंगल होता है बेटा, आपको पता है कि वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है. ठीक है,
चलिए बी क्या कह रहा है, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट एंगल, 90 डिग्री से ज्यादा है एंगल, तो कौन सा एंगल होता है, यू नो वेरी वेल दैट दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक। सी क्या कह रहा है, एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल, अगर आप सम करोगे किसका, द मेजर ऑफ टू राइट एंगल, वन राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, टू राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, इसका सम करना है तो कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री, और 180 डिग्री को क्या कहते हैं, कौन सा एंगल, स्ट्रेट एंगल, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे दिस इज स्ट्रेट एंगल, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी देखिए, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज, अगर आप दो एंगल लीजिए और दोनों का सम फाइंड आउट करिए और आपको एक राइट एंगल मिलता है तो उसमें से जो दोनों एंगल्स होंगे वो किस टाइप के एंगल होंगे, एक्यूट होंगे, ऑब्ट्यूस होंगे, रिफ्लेक्स होंगे, स्ट्रेट होंगे, कौन सा एंगल होगा वो आपको बताना। तो देखिए आप ऐसे दो एंगल लीजिए जिसका सम 90 डिग्री आए, क्योंकि इसमें कह रहा है राइट द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल, सम जो होगा हमारा राइट एंगल आना चाहिए। अगर हम ले लें 60 डिग्री 30 डिग्री तो सम कितना आएगा 90 डिग्री, या हम ले लें 20 डिग्री 70 डिग्री तो भी कितना आएगा 90 डिग्री। तो ये ईच वन ऑफ देम, ये जो हमारे ईच एंगल्स हैं, ये जो हम एंगल्स को सम कर रहे हैं, ये किस टाइप के एंगल्स हैं, सो दे आर एक्यूट एंगल, क्या होगा ये एक्यूट एंगल्स होंगे, अगर सम 90 डिग्री आएगा तो दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे, क्लियर। फिर ऑप्शन ई है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल, अगर आप दो एंगल का सम करिए और आपको एक स्ट्रेट एंगल मिल रहा है, इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट देन द अदर शुड बी, अगर एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा, देखिए क्या कह रहा है, दो एंगल का सम कितना मिल रहा है आपको 180 डिग्री, अगर उसमें से फर्स्ट वाला एंगल हमारा एक्यूट एंगल है तो सेकेंड वाला एंगल किस टाइप का होगा, तो 30 में क्या ऐड करोगे 180 आएगा, 150 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा है तो ये किस टाइप का एंगल हुआ, ऑब्ट्यूस एंगल हुआ, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो आपको क्लियर हो गया कि अगर हम सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल करते हैं और वो एक स्ट्रेट एंगल आता है तो उसमें से अगर एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूस होगा, या कह दे एक ऑब्ट्यूस है तो दूसरा क्या होगा, एक्यूट होगा, ठीक है। अगर दोनों एंगल आप एक्यूट ले लोगे तो 180 डिग्री नहीं आएगा, या अगर आप दोनों एंगल ऑब्ट्यूस ले लोगे तो 180 डिग्री से वो ज़्यादा हो जाएगा। 180 डिग्री फाइंड आउट करने के लिए आपको एक एक्यूट लेना है, दूसरा ऑब्ट्यूस लेना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल, तो बताइए राइट एंगल का मेजर क्या होता है, अच्छे से पता है कि आपको क्या होता है बेटा 90 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल का मेजर क्या होता है 180 डिग्री होता, तो ये भी हो गया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, से ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू फॉल्स बताना है, द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, जो एक्यूट एंगल का मेजर होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, ये सही लिखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्रू। फिर द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, नहीं, ऑब्ट्यूस एंगल तो 90 डिग्री से ज्यादा होता है ना, तो ये चीज क्या है, यहाँ पे ये फॉल्स है, ठीक। द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 डिग्री से ज्यादा होता है, यस, आपको हमने अभी ये बताया कि जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 डिग्री से ज्यादा होता है। फिर द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, अगर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है तो 360 डिग्री होता है, यस इट इज ट्रू, आपको ये पता है, ये क्या है ट्रू है। राइट डाउन सम मेजर्स ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ इज, राइट डाउन द मेजर्स ऑफ सम एक्यूट एंगल्स, आपको यहाँ पे सम एक्यूट एंगल्स के एग्जांपल्स देने, तो ऐसा कोई भी एंगल आप राइट कर सकते हो जो 90 डिग्री से कम हो, जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, एक्यूट एंगल के, ठीक है। फिर सम ऑब्ट्यूस एंगल्स, इसके एग्जांपल राइट करने, तो आपको पता है कि ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो कोई भी आप ऑब्ट्यूस एंगल का एग्जांपल दे सकते हो,
100 डिग्री 90 डिग्री से ज़्यादा है, 120 डिग्री ये भी हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है, 145 डिग्री दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 90 डिग्री. सो दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल. अदर एग्जाम्पल्स यू कैन राइट योर फ्री फॉर राइटिंग द एग्जाम्पल्स एंड गिव एटलीस्ट टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. तो हमने टू एग्जाम्पल्स से ज़्यादा ही राइट कर दिया है. देन सिक्स क्वेश्चन इज वॉट इज द एंगल नेम फॉर हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन. हाफ ऑफ रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है? 180 डिग्री. कितना? 180 डिग्री. और 180 डिग्री को हम क्या कहते हैं? कौन सी एंगल? इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एंगल नेम फॉर 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन. अगर 1/4 रिवोल्यूशन होता है तो हमने बताया 1/4 मतलब कितना? 90 डिग्री. और 90 डिग्री को क्या कहेंगे हम? राइट एंगल. ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.